ऐसा क्या किया इंडिगो ने मेरे साथ जो मुझे इंडिगो छोड़ना पड़ा? मैं ऑनेस्टली आंसर दूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम खुशी मल्होत्रा एंड आई एम अ कैबिन क्रू बाय प्रोफेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक, व्हाई डिड आई लीव इंडिगो। सो इंडिगो ने ऐसा क्या करा जो मुझे इंडिगो छोड़ना पड़ा? मैं ये नहीं कहूँगी इंडिगो की गलती है, मैं ये कहूँगी मेरी गलती है। सो मेरी क्या गलती थी? मेरी जब मैं इंडिगो में लगी, मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई। बैंगलोर में मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब रहती थी। मैंने बहुत स्टार्टिंग में सिक रिपोर्ट किया था, क्योंकि हमें सिक लीव्स मिलती हैं, सबको मिलती है। तो वो सिक लीव्स भी मैंने पूरी एग्जॉस्ट कर ली थी। मैं LWP पे थी, लीव विदाउट पे, मतलब मैं छुट्टी लेती थी और मेरी सैलरी से पैसे कटते थे उस छुट्टी के। एक दिन का 2000 ऐसे कुछ कटता था, क्योंकि जब आप नया नया ज्वाइन करते हो आपकी बॉडी को बहुत टाइम लगता है एडजस्ट करने में, और मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइम लगा एडजस्ट करने में। सो फिर वहाँ से मैं दिल्ली आई। दिल्ली में मेरी काफ़ी हेल्थ अच्छी रहने लगी, सब सेटल हो गया, मैं एडजस्ट हो गई इस जॉब प्रोफाइल के हिसाब से। तो बट मेरी ये एक कंप्लेन थी कि मैंने मेरे जो मेंटोर होते हैं, मेंटोर दिए जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी चीज़ होती है, तो हम डायरेक्ट मेंटोर से अपनी बात करते हैं, वो आगे बात करते हैं। सो मैंने उनसे बोला कि मेरे को इंटरनेशनल लेवर्स नहीं मिल रहे हैं, बंद हो गए हैं मिलना। तो उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि खुशी आपसे एक रिपोर्ट बहुत करा करते थे, दैट्स वाई आपका इंटरनेशनल लेवर बैन कर दिया है। बट उसके बाद मैंने नोटिस किया कि सिर्फ इंटरनेशनल लेवर क्यों बैन करा है, आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बैन करो। मैं 5-5 घंटे की फ़्लाइट कर रही हूँ, आना जाना, डे रिटर्न, रियाद बैक हो गया, ढाका बैक हो गया, ये काफ़ी हेक्टिक पैटर्न होता है। सो मैंने अपने मेंटोर से बात करी है कि मैम, सिक रिपोर्ट मैंने बहुत पहले ली थी, 6 महीने से ज़्यादा हो गए, मैंने एक भी सिक लीव नहीं ली है। और रही बात इंटरनेशनल लेवर की, वो आपने बंद कर दी है, बट इंटरनेशनल फ्लाइट्स मैं अभी भी कर रही हूँ डे रिटर्न, वो भी बहुत लंबी लंबी हो जाती है, हेक्टिक पैटर्न है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके बाद से मुझे इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी मिलना बंद हो गई, बट लेवर नहीं मिले। पर मैम ने मुझे कहा कि गिव मी 3 मंथ्स एटलीस्ट, मैं बात करूंगी आगे आपके परफॉर्मेंस को लेके, तब तक आप पैसेंजर अप्रिसिएशंस कलेक्ट करो, परफॉर्मेंस अच्छा रखो अपना, मत करना सिक लीव, मत लेना। मैंने बोला चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। 6 महीने तक ऐसे अच्छे से काम किया है, 3 महीने और कर लेंगे। 3 महीने तक फिर मैंने अपना परफॉर्मेंस अच्छा रहा, पैसेंजर्स अप्रिसिएशन बहुत मिले, और मैंने एक भी सिक लीव नहीं ली। उसके बाद भी मेरा इंटरनेशनल लेवर स्टार्ट नहीं हुआ मुझे मिलना। सो मैंने फिर भी वेट करा, काफ़ी वेट करा। मैं मैम से बात करती थी, मैम हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ मिलेगा, देखना नेक्स्ट मंथ मिलेगा, करते करते काफ़ी टाइम हो गया और मुझे इंटरनेशनल लेवर नहीं मिल रहा था। सो दैट्स इट, मैंने सोचा कि कंपनी चेंज कर लेती हूँ, लो कॉस्ट एयरलाइन से फुल सर्विस एयरलाइन में कुछ सीखने मिलेगा, लो कॉस्ट का एक्सपीरियंस है, फुल सर्विस का एक्सपीरियंस भी ले लूँगी, तो मेरे को फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा। दैट्स द रीज़न आई लेफ्ट इंडिगो। ऐसा कोई रीज़न नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि कौन सा बेटर है, एयर इंडिया बेटर है या इंडिगो बेटर है। आई लव इंडिगो, मैं अभी भी कहूँगी छोड़ने के बाद आई लव इंडिगो, बिकॉज मेरी फर्स्ट एयरलाइन थी, सैलरी टाइम पे आती है हमेशा, एक मेल पे आपको हर रिस्पॉन्स मिलता है, एक मेल आप करोगे किसी भी चीज़ के बारे में आपको पक्का रिप्लाई आएगा, काफ़ी चीज़ें ट्रांसपेरेंट मैंने देखी है कि हो जाती है, लोग अच्छे हैं, एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, क्रू बहुत अच्छा मिला है मुझे, अमेजिंग क्रू मिला है मुझे इंडिगो में, बहुत सारे दोस्त बनाए मैंने वहाँ पे। और दैट्स इट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। आई नो आप लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि क्यों इंडिगो छोड़ा, ऐसा क्या था, ऐसा कुछ नहीं था, आई लव इंडिगो, एयर इंडिया पे बस मुझे एक्सपीरियंस लेना है, आगे फ्यूचर में काम आएगा। ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट करते हो कोई चीज़, तो आप कहीं पे भी कंफर्टेबल नहीं हो सकते, स्पेशली बीइंग अ कैबिन क्रू। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी, 2 साल यहाँ काम करा, 2 साल फिर दूसरी कंपनी में काम करा, हमेशा ग्रोथ चाहिए लाइफ में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।